सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना शेयर अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए लेके चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, बताते हैं ये कैसे होता है, कैसे आप अपना शेयर अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं, चाहे किसी भी वेबसाइट पे हो, चाहे वो BSE हो या NSE या फिर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट हो। लेट्स गो गाइज। सबसे पहले आपको जाना है क्रोम में। आप क्रोम ओपन करें और उसमें टाइप करना है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपने जिससे भी खरीदा है, आपने अगर NSE से खरीदा है तो NSE के वेबसाइट पे जाए, BSE से खरीदा है तो BSE के वेबसाइट पे जाए। और अगर आपने किसी ब्रोकरेज वेबसाइट से खरीदा है जैसे Zerodha, तो उधर से जाए, उसके वेबसाइट पे जाए। तो हम यहाँ BSE पे जाते हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टू चेक स्टेटस ऑफ इश्यू। हमें अलॉटमेंट चेक करना है तो हम इस पेज पे आएंगे, ओके। और हम यहाँ इश्यू टाइप सिलेक्ट कर लें, जनरली इक्विटी होगा तो इक्विटी, और इश्यू का नेम, इश्यू नेम जनरली द कंपनी नेम। इधर में कंपनी कौन सी है, हम यहाँ ग्लेनमार्क लाइफ साइंस सिलेक्ट करते हैं। और एप्लीकेशन नेम, आपका जो भी एप्लीकेशन नेम हो जिससे अलॉट हुआ है आपको वो डालना है यहाँ पे, और पैन कार्ड नंबर डालना है आपका, ओके। और लास्ट में आप नॉट रोबोट पेज पे राइट क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है बस, और आपका जो भी डिटेल्स है और स्क्रीन पे आ जाएगा, ओके। या वो चाहे इस वेबसाइट पे हो या हर किसी और वेबसाइट पे, डिटेल्स आपको यही तीन डिटेल्स मांगेंगे, तो आपको ये तीनों फिलअप करके सबमिट कर देना है, ओके। सो गाइज, अगर आपको ये करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नीचे कमेंट में बताएं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, हम लोग उसे सॉल्व करेंगे, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।